हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति और मैं बनाती हूँ इस चैनल पर वीडियो जो आप सब से जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जो रेड कलर की घंटी है ना उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सभी दोस्त बहुत 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 अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ इस टाइप का एक क्राफ्ट। तो देखिए, बहुत ही सुंदर सा एनवेलप आज हमने बना के रेडी किया है, वो भी वेस्ट पड़े हुए फैब्रिक से। तो देखिए, छोटे मोटे क्राफ्ट या ब्लाउज से बचे हुए कुछ पीसेज रहते हैं ना, उन्हीं का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है। तो आपके घर में कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो आपको अगर इस टाइप से एनवेलप अगर आप अपने गेस्ट को गिफ्ट करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही प्यारे से ये लगते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमने ये कैसे बनाया है। बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही डिसेंट से ये लग रहे थे। तो चलिए देख लेते हैं ये हमने कैसे बनाया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है बुकरम। तो देखिए, इस तरफ से ये चिपकने वाला है, आपको दिख रहा होगा ये चिपकने वाला है, तो इसे ले लेना है। इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, स्केल से नाप लेते हैं तो यहाँ पर आ रहा है 8.5 इंच। 8.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और ये 12 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है, यानी कि 8.5 बाय 12 इंच का मैंने ये पीस लिया है बुकरम का। पेस्टिंग है ये, चिपक जाती है कपड़े पे, बहुत ही आसानी से हो जाता है, इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए इसे यूज़ कर रही हूँ मैं। तो देखिए, इस तरह से ये पीस ले लिया है हमने। अब फैब्रिक ले लेंगे। तो देखिए, कोई भी सिल्क का फैब्रिक जो भी हो आपके पास तो वो आप ले लें। देखिए, इसका राइट साइड ये है, इसका रॉन्ग साइड ये रहा, ठीक है। अब हम इसे जो ये चिपकने वाली साइड है ना, इसे इसके ऊपर ऐसे रखते हुए इस पर प्रेस कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसके ऊपर अच्छे से चिपक गया है, आप देख सकते हो चिपक गया है। अब हम एक्स्ट्रा जितना भी है कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से ये पीस हमारा हो गया है, आप देख सकते हो प्रॉपर फिनिशिंग आई है। तो इस तरह से ये हो गया है, अब देखते हैं इसको क्या करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस पीस के साथ सेम मैंने एक लाइनिंग के लिए एक पीस ले लिया है, ये भी सिल्क के ही फैब्रिक है तो इसे ले लिया इसकी लाइनिंग के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, लाइनिंग को साइड रखेंगे और इसका कुछ मेजरमेंट ले लेंगे। तो हमें एनवेलप बनाना है, तो एनवेलप का हमें ऐसे कुछ बनाना है। देखिए, इस तरह से फोल्ड करना है, 4 इंच पे हम फोल्ड करके देख लेंगे। देखिए, 4 इंच देखिए, मैंने ये 4 इंच पे फोल्ड किया है और ऊपर से ये 4 इंच आएगा। तो हमें क्या करना है, 4 इंच पे फोल्ड करने के बाद यहाँ से लेना है 1 इंच 1.5 इंच ऊपर इस तरफ से भी 1.5 इंच ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ और यहाँ मैंने ले लिया, मार्क कर लिया है। अब इन दोनों का सेंटर लेंगे, तो यहाँ 8.5 है तो 4.25 पे हम ले लेंगे, ये 4.25। अब इन दोनों लाइंस को कुछ इस तरह से मिला लेना है और ये वाली लाइन को भी इस तरह से मिला लेना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का पैटर्न हुआ। अब पहले हम इसे कट कर लेते हैं, तो पहले कट कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये हुआ। अब जब हम इसे बना लेंगे ना तो ये कुछ ऐसे टाइप से आएगा ओवरलैप करते हुए। तो इतना पोर्शन हो गया है, अब हम क्या करेंगे, इसे अस्तर के साथ सिलेंगे। तो अस्तर के साथ कैसे सिलना है, इसको ऐसे रखेंगे, इसके उसके ऊपर अच्छे से बिठाना है, पिनअप कर सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, बट यहाँ पर इस तरफ से हमें 2 इंच के आसपास छोड़ देना है ताकि हम इसे पलट सकें। तो इतना छोड़ने के बाद हम पूरे में यहाँ 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 यहाँ, देखिए मैं पूरे में सिलाई लगाएंगे, इतना पोर्शन नहीं लगाना है हमें, ठीक है। उससे पहले इसको भी साइड में रखेंगे और इसके लिए डोरी बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने एक डोरी ली है जिसकी लंबाई है, आप देख सकते हो 13 इंच के आसपास इसकी लंबाई है। और अब मुझे ले लेना है कि स्क्वायर पीस। देखिए, इसी फैब्रिक का स्क्वायर पीस मैंने लिया है, हाँ,
लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ, 2.5 बाय 2.5 इंच का है, 2.5 बाय 2.5 का। तो ये रहा, अब हमने इसको कहना एक कोने से दूसरे कोने को ऐसा मिलाना है, ठीक है, ऐसे मिलाया। और कोई भी ऐसे साइड, ये है इसकी एक साइड, इस कोने में मिलाते हुए इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और अब ऐसे में सिलाई लगा लेना है। तो कुछ इस तरह से ये लुप्पी सी बन जाएगी, और इसी टाइप से हमें ये चाहिए। तो इस टाइप से ये हो गया है रेडी। अब चलते हैं दूसरे फैब्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ले लिया है मैंने लाइनिंग वाला पीस, और जो ये पीस हमने कट किया था वो भी। अब देखिए यहाँ पर हमने जो ये डोरी रेडी की है उसे हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, जो मेन फैब्रिक है जिसमें हमने बुकरम या फ्यूजिंग लगाई है ना, उस पर हमने जहाँ पर हमने ट्राइंगल बनाया था बिल्कुल सेंटर में हम इस जो डोरी है ना उसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए सिलाई की हेल्प से पहले आप डोरी को अटैच कर लें। तो देखिए कुछ इस तरह से ये हो गया है। अब इसके ऊपर हम लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने पलट लिया। तो इसको रखने के बाद अब हम इसके चारों तरफ, यानी कि जहाँ पर मैंने बताया इतना पोर्शन 1 से 1.5 इंच छोड़ करके, बाकी मैंने चारों तरफ पूरे में सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आप एक बार एक बना लेंगे ना तो सेकंड वाला आपको उसका आधे टाइम पे बन जाएगा। तो इस तरह से पूरे में मैं सिलाई लगा लेती हूँ। बहुत ही सुंदर पीस है, बहुत ही प्यारा लगता है। आप सामने वाले को काफ़ी इंप्रेसिंग सा लगता है कि बहुत ही सुंदर सा आपने इतना प्यारा सा फैब्रिक के अंदर बना के रेडी किए हैं, बहुत ही प्यारा सा लगता है। तो देखिए इस तरह से ये हो गया। अब जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके हटा लेंगे, और देखिए इस तरह से ये भी बन गया। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये पीस हमारा हो गया है। अब जहाँ से हमने 2 इंच का गैप छोड़ा था ना, वहाँ से हम इस फैब्रिक को बाहर की तरफ को पलट लेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाते हैं, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही डिसेंट से ही लगते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेस की हेल्प से इसे फिक्स करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से मैंने इसमें अच्छे से प्रेस कर ली है, पूरे में दोनों तरफ बहुत अच्छी फिनिशिंग आई, आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये हो गया। अब जो ये ओपन वाला साइड है इसको लॉक बंद करना है। तो यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और पूरे में चारों तरफ हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे की तरफ जो 2 इंच का गैप छूटा था वहाँ पर हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। और देखिए इस तरह से मैं चारों ही तरफ इसमें एक टॉप स्टिच दे दूंगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा हमारा एनवेलप बिल्कुल रेडी होगा। अब देखिए आगे, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा वन पीस बन के रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, देखिए मेरे पास ये लेस पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा इन्हेंस करना तो बनता है। तो देखिए इसके बॉर्डर में मैं चारों तरफ ना ये पतली सी ये गोल्डन कलर की लेस को अटैच कर लूँगी, जिससे कि एक बॉर्डर सा क्रिएट हो जाएगा और वो लगने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरह से मैं चारों तरफ, कहीं पर भी नहीं छोड़ना है, पूरे चारों तरफ जहाँ पर भी आपने कोने निकले हैं ना, सब जगह हमने पूरे में सीधी सीधी सिलाई लगा कर इस लेस को अटैच कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया हमारा वन पीस रेडी, लेसेस हमने अटैच कर ली हैं। अब नीचे की तरफ से हमें देखिए 4 इंच पर इसको फोल्ड करना है, ध्यान रखिएगा इस तरह से फोल्ड करना है। कुछ इस तरह से हमारा एनवेलप बनके रेडी होगा। तो देखिए इस तरह से आप देख लीजिए 4 इंच का गैप करते हुए, देखिए इस तरह से मैं थोड़ा सा मेजरमेंट लेते हुए इसे अच्छे से ना फिक्स करूंगी। तो कुछ इस तरह से ये होगा। अब हमने क्या करना है, देखिए इसको खोल लेते हैं। पहले इसमें सिलाई लगाकर दोनों तरफ को जोड़ लेंगे ताकि हमारा एनवेलप रेडी हो जाए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर मैं सीधी सीधी सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेती हूँ।
अब ये कुछ इस तरह से, तो आप जब इसे बांधेंगे ना, तो जैसे लिफाफे में किसी को कुछ देना हो तो ये ऐसे करके और ये बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सुंदर था हमारा एनवेलप बन के रेडी है। आप इस तरह से बना के दें किसी को तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरह से मैं इस स्टेप से और भी बना लेती हूँ। पहले से तो देखिए बहुत ही सुंदर से, बहुत ही प्यारे से हमारे एनवेलप बन के रेडी है। यहाँ पर मैंने कई तरीके से बनाए हैं क्योंकि मेरे बेटे का मुंडन था, इस वजह से मैंने सभी को इसी टाइप का एनवेलप दिए हैं। तो बहुत ही सुंदर से लगते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुद को बिजी रखिए। बाय बाय।